नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सर्कल ऑफ लाइफ टैरो पे। मेरा नाम अदिति है और आज हम मेरे फ्रेंड्स जो 29 फरवरी को जिनका जन्मदिन है, आज हम उनके लिए टैरो रीडिंग करेंगे। प्लीज़ टैग अ फ्रेंड जिनका आज जन्मदिन है, और आपके लाइक शेयर्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ कि ऐसा कहते हैं कि 29 फरवरी जो दिन है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिकता के लिए बहुत बहुत पावरफुल डे होता है। और अगर हम 29 का टोटल करते हैं तो वो नंबर 2 होता है, और नंबर 2 भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे नंबर है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आध्यात्मिकता जागृत करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो नंबर 29 फेब को जो बॉर्न हुए हैं, वो उनको बहुत आकर्षण है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो और ऑकल्ट साइंस में। तो आई थिंक आज मैं बहुत जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और जो 29 फरवरी में बॉर्न है, ज़रूर वो टैरो रीडर्स होंगे या एस्ट्रोलॉजी में होंगे या न्यूमरोलॉजी में होंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ कि मुझे चांस मिला है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूँ। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। लव रिलेशनशिप, प्यार और रिश्तों में ब्लॉसम है जो नंबर 20 है जजमेंट कार्ड। बिजनेस, वर्क और फाइनेंस में नंबर 6 है लवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द फेरीज है लेट गो, एंड एनर्जी ओरेकल से रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, तो 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं आज टेबल पे। इसका मतलब है कि 2020 का जो साल होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेजर चेंजेस होंगे लाइफ में जो आपके लिए अच्छे होंगे। तो नंबर 20 जजमेंट जो है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप देखेंगे तो वापस इसका टोटल नंबर 2 है, जिसका मतलब है कि आपको एक सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग होगा। आपके अंदर से कोई चेंजेस होंगे, नया नई दिशा में, और नई दिशा में आप सोचेंगे, और आपका जो ग्रोथ है वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के तरफ से बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड कहता है कि आपको टाइम अब ऐसा है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको, अगर आप रिलेशनशिप में खुश हैं, आपके पार्टनर से खुश हैं, तो कहीं तो ऐसा लगता है कि मे बी थोड़ा प्यार जताने में कमी हो रही है या एक दूसरे से खुल के बात करने में कमी हो रही है। तो ये साल आपको यही कहता है कि अगर आप आपके पार्टनर से खुश हैं और ये रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं, तो प्लीज़, जैसे हम छोटी कली को धूप पानी देके उसको एक फूल में वो खिल जाता है, उसी तरह आपके रिलेशनशिप को भी, आपके रिश्ते को भी वही सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये कार्ड ऐसा फिर से कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार में खुश नहीं हैं, आपके रिश्ते में खुश नहीं हैं, ये साल आपको हिम्मत देगा कि आप खुद के लिए सोचेंगे, आप सोसाइटी के लिए, आपके माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए नहीं सोचेंगे, और आप खुद के लिए डिसाइड करेंगे कि मैं इस प्यार में खुश नहीं हूँ, और मैं डिसीजन ले रही हूँ, ले रहा हूँ कि मुझे ये रिश्ता नहीं कंटिन्यू करना है। और जब आप ये डिसीजन लोगे, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत पीस, बहुत सुकून और बहुत ग्रोथ आपको मिलेगी। तो अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप, नए प्यार, नए रिश्ते की खोज में हैं, तो आपका ये साल इस तरह से जाएगा कि आप बिफोर किसी से संबंध बनाने से पहले आप उसके बारे में काफ़ी अच्छे से सोच के फिर ही डिसीजन लोगे। तो ये मेरे को, मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि आप खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तक आप आपके
खुशी के लिए नहीं खड़े रहोगे, कोई भी आपकी खुशी के लिए नहीं खड़ा होगा। डर लगता है ठीक है, लेकिन ये साल आपके लिए, अगर आप रिलेशनशिप में खुश नहीं है, तो ये साल आपको वो हिम्मत, आप वो हिम्मत जुटा के अपनी लाइफ पाथ पे पॉजिटिवली जाएंगे। इन बिजनेस, करियर और फाइनेंस, काम और पैसे के मामले में लवर्स है, फिर से मेजर अरकाना है। इसका मतलब है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें घड़ेंगी जो आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगी। ये कार्ड ऐसा बताता है कि शायद आप किसी, आपके कोई कलीग से, आपके ऑफिस में जो काम करता है उससे, उनमें आप, यू विल फॉल इन लव विद हिम, आप उनमें, उनसे आप प्यार करना, प्यार हो सकता है। मैं फिर से बताती हूँ कि ये कार्ड ये कहता है कि आपको बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत संभावना है कि आप आपके कोई ऑफिस कलीग से प्यार में पड़ सकते हैं। ये ऑल्सो, ये कार्ड ये भी बताता है कि ये बहुत अच्छा साल है पार्टनरशिप्स के लिए। अगर आप किसी के साथ हाथ मिला के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपका बिजनेस पार्टनर से बहुत अच्छे से आप घुल मिल जाओगे, आपकी सोच बिल्कुल एक साथ चलेगी, और जो भी बिजनेस आप इकट्ठा स्टार्ट करोगे वो आपको बहुत फायदा देगा। अगर आप किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो अपने आप ही वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आएंगी, और आप उसमें पैसा डालोगे और वो आपको बहुत सफलता देगा। तो फाइनेंस के लिए इट इज़ अ वेरी नाइस ईयर। मैसेजेस जो फेरीज की तरफ से हैं, लेट गो एज यू सरेंडर द नीड टू कंट्रोल, योर रिलैक्स्ड एनर्जी रैपिडली अट्रैक्ट्स योर डिज़ायर। तो ये कार्ड आपको कहता है कि जो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही हैं, जो चीज़ों से आपको तकलीफ़ हो रही है, बड़ी हो छोटी हो, उसके बारे में आप विचार करना छोड़ दीजिए। जैसे ही आप ये कहोगे कि जो चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं हैं मैं उनके बारे में विचार नहीं करूँगा, और जो चीज़ें मेरी कंट्रोल में हैं मैं उसको चेंज करूँगा, जब आप ये एक्सेप्ट करोगे और बहुत ही रिलैक्स हो जाओगे, आपकी लाइफ बहुत सुकून से भर जाएगी, और जो भी चीज़ें आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन से, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। और अगर हम आपका प्यार और रिश्ते का कार्ड देखते हैं, तो इसका भी यही मतलब है कि ये साल आपके लिए डिसीजन का साल होगा। जो चीज़ें मुझे मुझे जिन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है, जिन चीज़ों से मुझे सुख मिलता है, मैं उनमें मेरा टाइम इन्वेस्ट करूँगा। जिन चीज़ों से मुझे सुकून, खुशी नहीं मिलती है, वो चीज़ों को मैं मेरे लाइफ से निकाल सकता हूँ, सकती हूँ, और उसके लिए आपको भगवान, आपके डिवाइन के थ्रू ही हिम्मत आएगी। तो ये साल कोशिश करें जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं उनको चेंज करके रिलैक्स रहिए, या जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करके रिलैक्स रहिए। मैसेज फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल्स हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। अगेन, इसका यही मतलब है कि ये साल आपको खुश होने के लिए, ये साल आपको एनर्जेटिक होने के लिए, ये साल आपको आपके जो भी आपकी एम्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उसको अचीव करने के लिए आपको पहले रेस्ट करना होगा और ख़ुद को रिलैक्स करना होगा। जब आप रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे थ्रू मेडिटेशन या कोई स्पोर्ट एक्सरसाइज के थ्रू, जब आप खुद को अपनी प्रायोरिटी करेंगे और आपका जो सोच है उसको आप शांत रखेंगे, आपके ज़िंदगी में जो भी आपको चाहिए है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ऑल इन ऑल, आई थिंक 2020 आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा, जहाँ पे आपको मेजर डिसीजंस लेने होंगे। बट ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बिकॉज़ फाइनली आप खुद के लिए, बिना किसी के डर से, बिना किसी के सोच से, जब खुद के लिए आप कुछ करोगे, आपको एक बहुत अलग तरह की एनर्जी मिलेगी, बहुत अलग तरह का सुकून मिलेगा, और उससे आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। फिर से मैं, आप जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो 29 फेब को जिनका जन्मदिन है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। प्लीज़ आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशंस को ऊंचा रखें और अच्छा सोचें, बिकॉज जो जिस जो आप सोचोगे वही आपके लाइफ में आपको मिलेगा। आई आई विश यू लव एंड लाइट, एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।